अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बच्चों की भरपूर फरमाइश पे बना रहे हैं ऑरेंज पॉपसिकल्स। आइसक्रीम तो बच्चे हर किस्म की बहुत शौक से खाते हैं, मगर जो फ्रेश फ्रूट्स की पॉपसिकल्स होती हैं वो इनमें बेहद फेमस हैं। बहुत आसान है, आपने बस मिक्सचर बनाना है, मोल्ड्स में डालना है और फ्रीज कर देना है। तो बगैर देर किए अभी हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। Keep on watching my channel Life We Live by Salman। चले जी, यहाँ पे मैंने एक पॉट रख लिया है मीडियम फ्लेम पे। सबसे पहले हमने करना ये है कि 2 कप पानी है मेरे पास, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हमने चीनी को थोड़ी देर पकाना है, कॉर्नफ्लावर से उसको लाइट सा थिक करना है और फूड कलर डालना है। ये हमारा हाफ काम हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीजें डालेंगे। पानी हमने डाल दिया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी का। ठीक है, आप चीनी चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, हाफ कप कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हर चीज मीठी मीठी हो। आइस लॉलीज में वैसे भी हल्की सी खटास होती है तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए चीनी को आप कम ही रखें। चलें, अभी इसके अंदर बॉईल आ जाए तो फिर हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, पानी में बॉईल आ चुका है। अभी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मेक श्योर के कोई लम्स ना रहे। ठीक है, देखें स्मूथ सा बटर बन गया। अभी हम ये डालेंगे, थोड़ा सा मैं फ्लेम तेज कर रही हूँ। अभी हम ये भी डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर इसके अंदर और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छा, ये बैटर जो है ये बहुत थिक नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको थिक करना है। आप देखें कंसिस्टेंसी, अभी भी ये पतला है, ये इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कॉर्नफ्लावर हमने डाल दिया, अब मैं इसमें डाल दी हूँ 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको 2 मिनट मजीद पकाना है। देखिए आप ऑलरेडी कितना अच्छा कलर आ गया। चलिए अभी मैं रुकती हूँ, इसमें बॉईल आ जाए, थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं। अच्छा जी, 2 मिनट हो चुके हैं। जब हमने पहले 2 मिनट पकाया था चीनी के साथ, फिर हमने इसमें डाला कॉर्नफ्लावर और फूड कलर, उसके बाद बॉईल आने के बाद हमने मजीद 2 मिनट पकाया। ठीक है, अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, इसको मैं कूल डाउन होने दूंगी, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसके अंदर बाकी चीजें डालेंगे। मिक्सचर हमारा कूल डाउन हो चुका है, जो हमने चीनी और पानी और फूड कलर डाल के बनाया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप मैंने लिया है ऑरेंज जूस, ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 2 टेबलस्पून टैंग, जो हम लोग घर में बना के पीते हैं गर्मियों में, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या आप डब्बे का ऑरेंज जूस यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ऑरेंज जूस चला गया, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ऑरेंज जेस्ट। फ्रेश ऑरेंज आप लें, इसको अच्छी तरह से धो लें और फिर आप इसको कद्दूकश कर लें, जो उसकी स्किन उतरेगी वो आपकी ऑरेंज जेस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये चली गई, इसमें सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून ऑरेंज एसेंस। अच्छा जी, ऑरेंज एसेंस जो है ना इसमें बहुत जरूरी है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, जैसे वनीला एसेंस होता है या केवड़ा एसेंस, तो उसी तरह होता है ऑरेंज एसेंस। ये आराम से हर जगह से मिल जाता है, ये हमने इसमें डाल दिया, अच्छा सा इसको मिक्स करें। अब मैं इसमें अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस के, फ्रेश ऑरेंज, सॉरी लेमन जूस के, 2 टेबलस्पून लेमन जूस के, फ्रेश लेमन मैंने स्क्वीज किया है।
अच्छा आप ये ना सोचें कि ऑरेंज के साथ लेमन डाल के तो वो कोई फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा, ये सिर्फ हमने थोड़ा सा डाला है ताकि जो खटास है वो हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऑरेंज जूस लेमन जूस डालेंगे। चलें जी अब हम ये जो मिक्सचर है हमारा इसको स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करना ज़रूरी है क्योंकि जो ऑरेंज का पल्प और जो हमने इसमें जेस्ट डाला है वो निकल आए, क्योंकि जब आप पॉप्सिकल खाएंगे तो वो बार बार मुंह में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि जो जूस है वो निकल आए। सब कुछ रेडी है, चले अब हम इसको डाल देते हैं मोल्ड्स में। तीन मोल्ड्स में मैंने डाल दिया है और देखें आप तकरीबन तीन का मेरे पास है अभी, तो आपकी छह मीडियम साइज पॉप्सिकल्स इससे बन जाएंगी। ठीक है, चले अब हम इसको कवर करते हैं। चलें अब हम अपनी मज़ेदार सी पॉप्सिकल्स को रखते हैं फ्रीजर में फॉर 6 आवर्स। पॉप्सिकल्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से जम गए हैं, अभी हम इनको मोल्ड्स में से निकाल लेते हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी पॉप्सिकल्स रेडी हो चुकी हैं। हम में से हार्डली कोई होगा जिसने बचपन में ग्लास में टैंग या स्कॉच डाल के उसमें बीच में स्टील का चम्मच रख के उसको फ्रीज़र में जमाया नहीं होगा और फिर उसको बड़ी ही मुश्किल से निकाल के खाते होंगे, तो बड़ी ही ज़्यादती हो जाएगी अगर आप बच्चों को इस समर्स में ये फन एक्टिविटी नहीं कराएंगे, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें और उनको ये ज़बरदस्त सी ट्रीट दें इस समर। मैं आपको बेट करती हूँ कि ये स्टोर बॉट से बहुत बेहतर है और बहुत आसान भी। ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।